हेलो गाइस, मेरा नाम मनु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम होम ब्लॉग्स में। गाइस, आज मैं आप सबके लिए 3 BHK का फ्लैट फिर से मैं एक बार लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए, और जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो इसका बालकनी है, सब कुछ मैं दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपका जो 3 BHK का फ्लैट है, एक कमरा इसका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप एंट्री करते हो, यहाँ से इसकी एंट्री है। एंट्री करने के बाद से आपका एक कमरा यहाँ पे दिया हुआ है, और एक कमरा ये है आपका, सामने वॉलपेपर लगा हुआ है। इस साइड में आपकी सोफ दे दी गई है मल्टी लेसन के लिए, और यहाँ पे ये पूरी अलमीरा दे दी गई है। अब इसमें अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, अभी पंखे उंखे और लाइट का काम चल रहा है। इसमें भी पंखे इसमें आएंगे, और इस साइड में आपका वॉशरूम दिया गया है, जो कि आपको इससे भी अटैच कर दिया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हो, और इसके बाद से इसको मेन हॉल है जो आपका, यहाँ से अटैच कर दिया गया है। ये मेन हॉल में आ गया, तो ये जो वॉशरूम है दोनों साइड से अटैच कर दिया गया है, और एक वॉशरूम आपका सामने उस वाले कमरे में दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको मैं हॉल दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा हॉल है, इस हॉल पे पूरा ये वॉलपेपर लगा हुआ है, 3D वॉलपेपर लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो पूरा 3D वॉलपेपर लगा हुआ है इस वॉल पे। और ये पूरे आपका हॉल का जो एरिया है, ये पूरा आपका हॉल है, और सामने इसमें हमने टीवी माउंट लगा दिया है। यहाँ पे ये पूरा आपका टीवी माउंट है, जो कि आराम से आपकी 80 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर की टीवी आपकी आराम से इसमें आ जाएगी। और इधर आप जो साइड में, तो आपके यहाँ पे वॉशरूम दे दिया गया है। जस्ट इसके बगल में आपका यहाँ पे किचन आ जाता है, कि पूरा किचन है आपका यहाँ पे, पूरा किचन है। ऊपर आपके यहाँ पे किचन में आपका यहाँ पे चिमनी आ जाएगी, और इस साइड में आपका आरू का पॉइंट दिया गया है। ये सोफ दिया गया है, ऊपर चाहो तो एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो, अदरवाइज चिमनी का पाइप आपको वहाँ से निकल जाएगा। इसमें भी टूटी हुई फिटिंग करनी बाकी है, अदरवाइज का काम चल रहा है, फिनिशिंग में है फ्लैट। ये आप देख रहे हो कि झूमर, यहाँ पे झूमर आएगा, पंखे उनके लाइट उठ लग गए हैं, बाकी सब कुछ लग गया है। बाकी साइड जो वॉल है इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और ये पूरी हॉल की जो ये, यहाँ से मैं पूरा आपको हॉल का दिखा देता हूँ कि पूरा हॉल का स्पेस कितना है। और सामने वहाँ से आपकी एंट्री है, एक कमरे उसके जस्ट बगल में है, यहाँ पे आपका वॉशरूम हो गया, टीवी माउंट हो गया। ये पूरा पूरा किचन का इंटायर है। किचन का मैं दिखा दूँ आपको, तो एक बार ये आप देख सकते हो कि हम किस प्रकार का काम करवाया गया है, जो भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक बार, बाकी पत्थर तो लगा के पूरा आपको ये जो भी है रेको सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है इसमें। मतलब किचन का काम सारा कुछ हो गया, बस टोटी वोटी इसमें लगवानी है, जो कि अभी आपको ये जब आप प्लेट लोगे तब तो उसमें लग जाएगी। और इस साइड में एक कमरा दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हो, इस कमरे को भी, ये पूरा इसमें भी वॉलपेपर पूरा लगा हुआ है इस साइड से, यहाँ से पूरा का पूरा वॉलपेपर है। बाकी जो बालकनी है, ये बालकनी आपकी 10x10 की बालकनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 10x8 की बालकनी है। अगर मैं ये हिस्सा छोड़ दूँ तो यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन का सॉकेट दे दिया गया है, यहाँ से वॉशिंग मशीन आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे उसका पॉइंट दिया गया है। और ये पूरी बालकनी का जो है, ये 10x8 में बालकनी है पूरी, ये जो कि काफ़ी स्पेसिस है। हम चाहते हैं आराम से गमले में डाल के और घास लगा के आराम से आप इसको गार्डन बना सकते हो छोटा सा एक। और इस साइड में कमरा दे रखा है यहाँ पे, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा है। साइड में यहाँ पे 3D वॉलपेपर लगे हुए हैं, ये पूरा 3D वॉलपेपर है। साइड में अलमीरा है यहाँ पे, और यहाँ से तो ये पूरा इस कमरे का पूरा ये साइज है जो भी है, और इसका जो साइज है बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10x11 के आसपास का ये कमरा है ये वाला। और दोनों कमरे से आपकी बालकनी की एंट्रेंस दिया गया है, यहाँ से भी है, उधर से भी एंट्री है, तो आप आराम से एंट्री कर सकते हो दोनों साइड से। और मैं आपको अगर दिखा दूँ इसमें, तो इस फ्लैट में यहाँ पे लिफ्ट का दिया गया है सॉकेट, यहाँ पे आपकी लिफ्ट है, ये एक मिनट सॉरी, ये 2 BHK का यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपकी लिफ्ट आएगी। एक 2 BHK का फ्लैट है पीछे, एक फ्लैट वहाँ पे है 2 BHK का, और ये आगे के 3 BHK बने हुए हैं, एक फ्लोर पे 5 बने हुए हैं टोटल फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे ये जीना आ गया है यहाँ पे साइड में, तो अभी इसका मतलब फिनिशिंग का काम चल रहा है। बाकी परिवार इसमें आके रहे भी रहे, इसमें फैमिली रहती है, इसमें भी फैमिली रहती है। अभी अगला फ्लैट है हमारे पास 3 BHK का, जो कि फ्रंट का है, और इस साइड में 2 BHK बना रखा है इन्होंने, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ अंदर का सब कुछ क्या है। इसमें तो 2 BHK पूरा ये आपका है, नीचे इसमें आपकी बहुत बड़ी पार्किंग भी दी हुई है, और एक वॉशरूम इसमें है सामने, यहाँ पे आपको इस एक वॉशरूम इस कमरे में मिलता है, ये है। अब इसमें सीट लगाई नहीं है, सीट आप जिस तरह कहोगे इंडियन या वेस्टर्न जो भी लगाने की बोलोगे आप यहाँ पर लग जाएगी, बाकी आपके आवाज़ फेसिंग आ जाएगा। ये पूरा ऊपर इसकी भी सीलिंग की पूरी कंप्लीट काम हो गया है, तो यहाँ पे सीट उठी ना रखी है। बाकी मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो इस सामने जो आप देख रहे हो आपके घर के सामने ही कम से कम 18 मीटर की चौड़ी रोड है, बीच में आपका छोटा सा यहाँ पे गार्डन टाइप बना रखा है, और ये पूरा यहाँ का लोकल मतलब पूरा आप लोकेशन देख सकते हो किस प्रकार का, पूरा शांति इलाका है। और फ्लैट की अगर बात करूँ तो नीचे रो पर भी आप चाहो तो नीचे पार्किंग कर सकते हो, हाँ इतनी बड़ी मतलब आराम से बाहर भी आपकी 5-4-5 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी, और नीचे पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटी बना रखी है हमने, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो सबसे अच्छी बात है इसकी जो बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है, 10x8 की बालकनी है। इसमें चाहो तो आप आराम से साइड में गमले लगा के और घास बिछा कर आराम से सो गार्डन बना लो, झूले लगा लो, कुर्सी उर्सी डाल लो, मतलब परफेक्ट है। शाम को बैठो आराम से, सोफोकेशन बिल्कुल नहीं होगी इस बिल्डिंग में, और पूरा आपको मैं दिखा दूँ सब कुछ, यहाँ का देख ही सकते हो किस प्रकार से बनाया गया है। और अगर मैं बात करूँ इस साइड की,
तो विंडो है साइड में और इस साइड में आपका वॉलपेपर, दोनों कमरे में वॉलपेपर लगा हुआ है, इधर भी वॉलपेपर लगा है उधर भी वॉलपेपर लगा है और ये अभी पूरी कवर्ड है ये, ठीक है, ये पूरी कवर्ड है आपकी साइड से। तो बाकी दरवाजे की क्वालिटी भी दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये दरवाज़ा जो दिखा इसको एक बार देख लो आप, जो प्लाई लगी है ये तकरीबन 2-2.5 इंच की पाई लगी है दोनों गेट, दोनों दरवाजों में लोगों को सब कुछ लगा हुआ है। तो विंडो एसी चाहो तो आप ऊपर आराम से विंडो एसी ला सकते हो, सारे कमरों में विंडो एसी आ जाएगी। और अगर मैं बात कर सकता हूँ, मैं आपको थोड़ा नीचे के दिखाता हूँ नीचे में क्या क्या है इसके, मैं आपको इसकी पार्किंग भी दिखा देता हूँ किस प्रकार की पार्किंग दी गई है। और लिफ्ट तो मैंने दिखाई दी आप लोगों को, और इस साइड से मतलब दोनों कमरे से आपकी बालकनी है, दोनों साइड से आप जा सकते हो। और सबसे पहले तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो और मजा आएगा मेरे को भी, और मोटिवेट मिलता है मेरे को, वीडियो बनाना अच्छी लगती है। और जितनी भी प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूँ वसुंधरा की, सारी प्रॉपर्टी अपनी ही होती हैं, अपने ही ग्रुप की हैं, तो इस वजह से आपको इसमें एक पैसे का कमीशन भी नहीं लगेगा। बाकी मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ पार्किंग लॉट की पार्किंग कैसा है अभी। बाकी इधर आपका ये सॉफ्ट है पूरा आपका मल्टी जनरेशन के लिए, जो आप देख रहे हो इधर 2 BHK बना रखा है, 2 BHK भी हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है, मैं प्राइस डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका। और मैं आपको इसकी पार्किंग दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये पूरी पार्किंग है ये, यहाँ पे आपका लिफ्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे लिफ्ट के लिए छोड़ रखा है ये, यहाँ पे आपकी लिफ्ट आ जाएगी। और इधर साइड से पूरी पार्किंग है ये पूरी पार्किंग का इलाट है ये। और इधर अगर मैं दिखा दूँ आपको तो इस साइड भी पूरी पार्किंग है ये, यहाँ पे आपके सबके मीटर लग जाएंगे जिस प्रकार से लगे हुए हैं। और इधर आपके पूरे सबके गंगा वोटर के जो मोटर आएंगे, यहाँ पे गंगा वोटर की पूरी मोटर आ जाएगी, जितने भी गंगा वोटर है सबकी मोटर यहाँ पे आ जाएंगी। और ये पूरा पार्किंग लॉट है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे गंगा वोटर जितने जैसे कि जो फैमिली आई है सबके में मोटर लग चुके हैं, और जितने के जैसे लगा लगा रखा है सबके गंगा वोटर की मोटर यहाँ पे लग जाएंगी। इधर साइड में मीटर का दे रखा है पूरा सॉकेट, आपका मीटर यहाँ पे आ जाएगा। और ये पूरी पार्किंग है, पूरी की पूरी पार्किंग है। बाहर जो ये हिस्सा देख रहे हो आप, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बनाई हुई है, जैसे कि दुकानें हैं बाहर जो कि आपके लिए अच्छी रहेंगी, और ऑन रोड पे है तो सबके लिए अच्छी रहेंगी। और आप बाकी देख सकते हो जो पिलर लगे हुए हैं इसमें, कितने चौड़े चौड़े पिलर लगे हुए हैं सारे के सारे, मतलब सब काम जो हो रखा है आपको भी मतलब दिखा रहा हूँ मैं। तो भी जो बिल्डिंग है तो अंडर फिनिशिंग में नीचे, बाकी फ्लैट जो कंप्लीट हो गया उसमें फैमिली आके रह भी रही है। और आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हमने अपने चैनल पे 2K सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, तो आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बताना कि आपको किस प्रकार के प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, और कहाँ सर्च कर रहे हो, कैसे सर्च कर रहे हो, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ। अदरवाइज अभी तो मैं अब जो अपना जो हमारी साइटें हैं उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ और उसी के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को डिमांड आते हैं कि भैया दिल्ली के बताओ, इंद्रपुरम के बताओ, तो भाई अभी ऐसे लोग डाउन पड़ा हुआ है, और मेरे को खुद इसी से नहीं मौका मिल पाता है कि मैं आपको दिल्ली जाके फिर इंद्रपुरम जाके, इंद्रपुरम तो चलो वहाँ पे भी अपनी साइड में दिखा सकता हूँ, बट दिल्ली वल्ली की वीडियो अभी तो नहीं पॉसिबल है। बट जब कोरोना हट जाएगा फिर उसके बारे में देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ की आप वीडियो चाहते हो वहाँ वहाँ की वीडियो आपको मिल जाए। अभी तो फिलहाल चैनल बनाया था हमने अपने लिए, जैसे कि जितने भी लोग दिल्ली के हैं वो आराम से इसको विजिट कर सकें, देख सकें, और आराम से आके विजिट कर सकें। तो मुझे कमेंट बताना कि आपको कैसा लगा। और अभी इस हफ्ते 3 BHK की फ्लैट की वीडियो कम से कम 4-5 आने वाली है, तो 3 BHK की बहुत डिमांड भी आ रही थी। तो बस चैनल बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद से ना जो खुशी मिलती है ना अंदर से वो अलग ही मिलती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।